सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखे गए हैं जो हमने लास्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किए। फॉर्मूलाज के अंदर ये फॉर्मूला है कि पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल है, मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है आपके हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता है उस हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करती है। तो ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है एंगुलर मोमेंटम का, एनर्जी का डिफरेंस एच न्यू, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। ये फॉर्मूला हमने ऐसे नहीं किया, हमने क्या किया था एन स्क्वायर बाय जेड, हाइड्रोजन लाइक के लिए हमने क्या किया था एन स्क्वायर बाय जेड। ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट प्रोपोर्शनैलिटी पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और नेक्स्ट है वेलोसिटी का फॉर्मूला, बहुत बड़ा है पर मैंने जो फॉर्मूला याद किया हुआ है 1/137 सी बाय एन, इसको प्लीज़ बॉक्स में डाल लें। वेलोसिटी का फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है, किसी भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इज 1/137 सी बाय एन, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने कर लिया था जो हमने लास्ट टाइम किया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला भी किया था, और मेन चीज़ थी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए क्या था, -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने बताया था 13.6 को लिखा जा सकता है आर इंटू एच इंटू सी की तरह, आर एच सी, ठीक है। तो आपकी एनर्जी चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। फिर मैंने ये करवाया था जो टोटल एनर्जी होती है इज़ नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, या काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये रिजल्ट्स भी काफ़ी यूज होते हैं और ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी जरूर किए होंगे। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर है, 1/लैम्डा का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, फिर आर इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, इस फॉर्मूलाज के बेस पे जैसे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है, जो टाइम पीरियड है वो एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी लास्ट टाइम हमने किया था। और ये भी किया था कि अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, एन इज इंटू एन माइनस 1/2 स्पेक्ट्रलाइज एमिट होती हैं, और ये सारे फॉर्मूलाज के बेस पे सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एल क्या होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो एल क्या होता है, एन एच बाई टू पाई, तो आप इस फॉर्मूले में एन की जगह क्या पुट करेंगे, थ्री, आप एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पुट करेंगे, टू और पाई पुट करेंगे, जो आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर है। और एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स आप केमिस्ट्री में सीखे आए हैं, फिजिक्स में तो अलग यूज़ करते थे रोटेशनल मोशन में, पर यहाँ पर एच के यूनिट्स ही कॉपी होंगे, जूल सेकेंड, क्योंकि एन, टू और पाई क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो एनर्जी इंटू टाइम के साथ मैच करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जब वो थर्ड शेल में होगा। आपके पास स्पीड का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये मेरे को नहीं आता, मेरे को ये आता है 1/137 इंटू सी बाय एन, और अगर ये हाइड्रोजन लाइक है इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हाइड्रोजन लाइक है तो इसलिए यहाँ पर जेड लगाना पड़ेगा। तो हीलियम के लिए जेड क्या होता है, टू, तो यहाँ पर आपने जेड की जगह टू पुट करना है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, एन की वैल्यू क्या लगानी है यहाँ पर, थ्री, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन के घूमने का टाइम पीरियड निकालना है रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले जो है शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है 2πr/velocity। अब आपको रेडियस आपको गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो आर की जगह तो आप सिंपली क्या पुट कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को छोड़ें, इस आर की जगह तो ये पुट कर सकते हैं 0.53 को 10^-10 से मल्टीप्लाई करके मीटर आ जाएगा, आर की वैल्यू तो आपको गिवन है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, वी, वी का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एन इज इक्वल टू वन का केस है, तो वी की वैल्यू आ गई, तो तुम इस वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, अपने आप टाइम पीरियड आ जाएगा, बात हो गई खत्म। तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या फॉर्मूला फटाफट फटाफट कैसे अप्लाई करने हैं इसमें। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला मेरे को वैसे भी आता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एन इज इक्वल टू थ्री। हाँ, तो इतना टाइम कैसे लगा, लोगों को देख रहे, लोग क्या आंसर देंगे, तो एन इज इक्वल, केमिस्ट्री में इतना क्या हुआ है, तो एन इज इक्वल टू थ्री, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू जीरो कब होता है, होता ही नहीं है, तो जीरो मत पुट करना कभी भी, ठीक।
तो एन इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 1 - 13.6/1 का स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू 3 का मतलब है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि 1 से 3 पे जंप करेगा, 2 एक्साइटमेंट मानी जाएगी। तो 3 पुट करोगे, एनर्जी की वैल्यू आएगी। आपको ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस बताना है, तो आप क्या करोगे, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करोगे, दिस माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, ये नहीं करना सैटेलाइट वाला, क्योंकि सीबीएसई में अब सैटेलाइट्स और ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम डली हुई है, जरूरत नहीं इसको करने की। ये करो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इन द हाइड्रोजन स्टेट ऑफ, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 1, बोहर रेडियस इज गिवन बाय, आपको फर्स्ट शेल का एन इज इक्वल टू 1 का आर गिवन है, एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम, नया रेडियस आ गया, तो पहले छोटे रेडियस से बड़े रेडियस में चले गए, एक्साइटमेंट हुई तो बाहर का रेडियस तो बड़ा होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो किस एन इज इक्वल टू शेल पे चले गए, उस एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट भी बताओ। अब मेरे को पता है जो आर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर हाइड्रोजन के केस में, तो पहले वो आर वन रेडियस पे है तो एन वन स्क्वायर है, आर टू रेडियस पे चला गया तो एन टू स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर लिया तो एन टू स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर इज आर टू बाई आर वन, तुम्हें क्वेश्चन में आर टू आर वन तो गिवन ही है, इसकी रेशियो 4 आ गई, और तुम्हें ग्राउंड स्टेट का एन वन पता है, एन वन कितना पता है 1, तो यहाँ से एन टू आ गया, तुम्हें आर, तुम्हें इस रिलेशन में आर टू आर वन पता है, तुम्हें एन वन 1 पता है, तो यहाँ से सॉल्व करके एन टू आ गया, और तुम्हें यह पता लग गया कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप किया है, एन इज इक्वल टू 2 पे जंप किया है, और अगर एन इज इक्वल टू 2 पे जंप किया है तो सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि बताओ उस स्टेट में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, -13.6/2 का स्क्वायर आंसर। आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम इज गिवन, ये तो मुझे याद है, -13.6। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट? क्या करें, हाफ एम वी स्क्वायर करें? नहीं, क्या करें, -13.6/2 स्क्वायर करें, भाई तो टोटल एनर्जी है, हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक। तो सबसे पहले आपको E1 पता है, आप E2 निकाल लें, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो -13.6/3 का स्क्वायर है, जो सॉल्व करके ये आएगी, तो ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाओ ये आएगी। ठीक, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ये आएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है -13.6/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो
अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स पे एनर्जीज आ गई हमारे पास। पहला पार्ट क्या है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे टोटल एनर्जी -1.51 है और हमने एक रिजल्ट किया था काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी माइनस कितनी है, -1.51 है, तो काइनेटिक क्या होगी, इसका पॉजिटिव कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? और नेक्स्ट पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी निकालो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी कितनी है, -0.85। टोटल एनर्जी है -0.85, पर तुमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, पोटेंशियल इज 2 times काइनेटिक लेकिन विद नेगेटिव साइन। प्लीज गलत है ये, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक बोल रहा हूँ ना, पोटेंशियल नेगेटिव होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, सही है ना, ठीक है। पोटेंशियल तो वैसे ही नेगेटिव है क्योंकि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलेगी, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो आपको ट्वाइस तो करना है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ करना है, ऐसे ही किया ना केमिस्ट्री में, ठीक बोल रहा हूँ ना। देखो मेरे को ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं था, और मेरा माइंड का, मेरे माइंड बोल रहा है पोटेंशियल नेगेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में गड़बड़ है, टोटल भी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव कैसे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n=4, तो वेवलेंथ बताओ। तो तुम डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल लो, तुम फोर्थ एनर्जी में से फर्स्ट एनर्जी को माइनस कर लो। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से वन पे गिरेगा, तुम्हारे पास e4 भी है, तुम्हारे पास e1 भी है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको किसके इक्वल पुट कर देना, hc/λ, वहाँ से लैमडा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जब मैं केमिस्ट्री क्लास में बैठा हूँ, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, फ्री के नंबर हैं। नेक्स्ट
ऐसे ही ना पुराना खोल के देख लो, ऐसे डायग्राम बहुत दिखते हैं, मतलब ये फेमस क्वेश्चंस हैं बोर्ड के। शोज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है, 4, 3, 2, 1 पे ट्रांजिशन हो रही है। फाइंड आउट ट्रांजिशन विच रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496। इस फोटो को देखते हुए बताओ 496 की वेवलेंथ कहां से कहां ट्रांजिशन होगी, कैसे करेंगे? मुझे कैसे पता कि लैम्डा इतना आएगा? बताओ आंसर 4 से 3 है कि 4 से 2 है कि 4 से 1 है कि 3 से 2 है कि 3 से 1 है, क्या करूं? इज इक्वल टू एचसी बाय लैम्डा से, सही? ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा उसकी कोई वेवलेंथ होगी, तो वो ये कह रहा है कि मेरे को वेवलेंथ 496 नैनोमीटर चाहिए। तुम एक काम करो, तुम इसमें n इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकाल लो, 2 पे एनर्जी निकाल लो, -13.6/2² -13.6/3² -13.6/4² चारों शेल्स की एनर्जी आ गई टोटल। फिर तुम एक काम करो, तुम्हें वेवलेंथ 496 नैनोमीटर चाहिए, तुम ये देख लो कि अगर इतनी वेवलेंथ बाहर निकालनी है तो एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी, एच सी बाय लैम्डा, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको चाहिए। तो आपको ट्रांजिशन ऐसे करना है 4 से 1, 4 से 2, 3 से 1 कि उसका जो एनर्जी का डिफरेंस आए वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए, ठीक, ये इसका मतलब है। तो आपने क्या करना है, अब आपका हिट एंड ट्रायल है। तुम एक काम करो, E3 में से E1 माइनस करके देख लो, E3 में से E2 माइनस करके देख लो, E4 में से E2 माइनस करके देख लो, E4 में से E1 माइनस करके देख लो, E4 में से E3 माइनस करके देख लो, और जब तुम हिट एंड ट्रायल करोगे तो तुम देखोगे E4 में से E2 की ट्रांजिशन जब होती है इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 2.55 के आसपास आता है, और मेरी रिक्वायरमेंट भी 2.5 है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, 4 से 2 पे होगी, मतलब आपको हिट एंड ट्रायल तो इसमें करना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो तुम चारों एनर्जीज निकाल के चेक करोगे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसी में, विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। आप केमिस्ट्री में बहुत करते हो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब होती है, जब एनर्जी मिनिमम होती है। कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम से कम कब निकालेगा, जब उसकी ट्रांजिशन 4 से 3 पे होगी। सबसे छोटी जंप 4 से 3 की है, 4 से 3 की जंप जो होगी वो मिनिमम एनर्जी निकालेगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालेगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेगी, तो 4 से 3 की ट्रांजिशन आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूजिंग रेडबर्ग्स फॉर्मूला कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज। अब रेडबर्ग्स फॉर्मूला 1/λ का ये फॉर्मूला है, 1/λ का ये फॉर्मूला है, ये इनिशियल ये फाइनल। तो आपको क्या करना है, क्योंकि लाइमन सीरीज है तो एन फाइनल क्या होना चाहिए, 1। तो पहली कौन सी लाइंस निकालनी है आपने, पहली 4 लाइंस निकालनी है। कैलकुलेशन छोड़ो, 4 बार क्वेश्चन सॉल्व करो, पहली बार एन की जगह पुट करो 2, 2 से 1 लैम्डा निकाल लो, फिर पुट करो 3 से 1 लैम्डा निकाल लो, फिर 4 से 1 लैम्डा निकाल लो, फिर 5 से 1 लैम्डा निकाल, जितनी चाहिए उतनी ले लो। तो इसकी कैलकुलेशन छोड़ो, मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है। इस फॉर्मूले में फाइनल उसको लैंड कहाँ पे करवाना है, 1 पे, और यहाँ पर 2, 3, 4 पुट कर दो, जो जो वेवलेंथ आएंगी उसकी वैल्यूज निकाल देना। यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो कुछ नहीं करना, बाल्मर सीरीज में किसको कहाँ लैंड करवाना है, एन इज इक्वल टू 2 पे, एन इज इक्वल टू 2 पे लैंड करवाना है। तो कहाँ से लैंड करवाना है, 3 से 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, तो निकाल लेना लैंडा, जो निकाल लिया आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, वेवलेंथ छोटी तो फ्रीक्वेंसी बड़ी। तो गिवन रेडबर्ग्स कांस्टेंट आर गिवन है, तो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तब होती है जब एनर्जी सबसे ज़्यादा एमिशन होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा एमिट तब होती है जब इलेक्ट्रॉन की जंप बहुत ऊपर से नीचे 1 तक होती है, और बहुत ऊपर तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से जब 1 पे गिरता है इससे बड़ी जंप नहीं हो सकती। तो तुम एक बार इन्फिनिटी लो, एक बार 1 लो, और फिर तुम क्या करो, 1/λ निकाल लो। लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया, तो आपको क्या निकालना है, ये वेवलेंथ निकालनी है। तो आपकी जो वेवलेंथ है
ये शॉर्टेस्ट होएगी क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लॉजिक है? सेम इसमें क्या है ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड वाले इतना पूछते हैं कि बताओ अल्ट्रा वायलेट या विजिबल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पुराने पेपर में देखना है तो बहुत आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। वो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है? बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में लैंड कहां पे करवाना है? n इक्वल टू 2 पे। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो आएगा कहां से? इन्फिनिटी से। गिरेगा कहां पर? 2 पे। इन्फिनिटी से 2 पे गिरेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा निकाल लेना। क्लियर है यहां तक? बाल्मर सीरीज है ना, तो इसकी लैंडिंग तो 2 पे होगी। तो आपको ये बताना है ये वेवलेंथ आ गई। फिर वो ये बोलता है इस वेवलेंथ को देख के बताओ कि ये कहां पे लाई करता है। तो बाल्मर सीरीज जो है वो कहां पे लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट। नहीं तो एक काम करो, ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी का टेबल तो याद करके जाओगे, वो तो याद ही करके जाओगे, अल्ट्रा वायलेट की भी याद करके जाओगे, इंफ्रा की भी याद करके जाओगे, तो देख लेना किस रेंज में लाई करता है, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर वो चार्ट याद करके जाना, बाल्मर में क्या अल्ट्रा वायलेट होती है और बाकियों में इंफ्रा रेड रेज होती है, ऐसे करना पड़ेगा। पर ये पूछता है, ये पूछता है। फिर देखो ना कितने भरे पड़े क्वेश्चन। फिर से कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है? जब फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट है। फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट कब होती है? जब एनर्जी मिनिमम है। और वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सी सीरीज है? लेमन और बाल्मर सीरीज के लिए करो, और ये बताओ कि ये रीजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहां लाई करता है। सबसे पहले काम करते हैं लेमन सीरीज लेते हैं। लैंड कहां पे करवाना है? 1। और क्योंकि हमने क्या निकालनी है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। शॉर्टेस्ट जंप मरवाओ ना, 2 से 1 की जंप सबसे छोटी है, क्योंकि लैंड तो 1 पे करना है। अब 3 से करवाओगे एनर्जी ज़्यादा निकल आएगी, 2 से 1 करवा दो, इससे छोटी जंप ही नहीं है। 2 से 1 जंप करोगे तो एनर्जी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, तो निकाल लेना लैम्डा आ जाएगा। और ये किस में लाई करता है? वो कहता है अल्ट्रा वायलेट में लाई करता है। फिर ऐसी वो कहता है बाल्मर में निकालो। बाल्मर में 2 पे लैंड करवाना है, और 2 पे लैंड करवाना है, मिनिमम जंप कब होगी? जब 3 से 2 होगी, 4 से 2 की होगी, 3 से 2 होगी, और इसमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी, वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी, और जब ये वैल्यू आएगी ये कहते हैं विजिबल रीजन में लाई करता है। ये ना फ्रीक्वेंसीज का टेबल याद करके जाना पड़ेगा आपको, ईएम वेव वाला, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम से चेक हो जाता है ये, है ना, तो वहाँ से चेकिंग होएगी इसकी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ईएम वेव का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो एकदम उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बताता है, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज, याद बोला था मैंने, याद करके जाना है। तो ये कुछ सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन करो 17। बुक दिखाना, बुक। बस 9 क्वेश्चन है एटम के, 9 क्वेश्चन न्यूक्लियाई के। ये इस साल की बुक है, इसमें रेडियोएक्टिविटी गिवन तो है। नई बुक है रेडियो एक्टिविटी, इस एनसीईआरटी में इतना बड़ा रेडियो एक्टिविटी लिखा है थ्योरी में, नहीं है एनसीईआरटी की नई बुक में तो है।
इसके अंदर फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन की, तो उसकी वेवलेंथ बतानी है, एल नहीं बताना, एल तो पता है मुझे एन एच बाई टू पाई, वेवलेंथ बतानी है। तो तुमने केमिस्ट्री में कर भी रखा है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है, डी ब्रोगलीज का हाइपोथेसिस था, सुना होगा केमिस्ट्री में। तो तुम एक काम करो, पहले तुम इस एन इज इक्वल टू टू पे उसकी वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/137 इंटू सी बाई एन से। तो तुम पहले वेलोसिटी निकाल के रख लो, वेलोसिटी आ गई तो लीनियर मोमेंटम निकाल लो पी। पी क्या होता है, एम इंटू वी, तो एम पता है, वी पता है, लीनियर मोमेंटम आ गया। और लैम्डा क्या होता है किसी पार्टिकल का, एच अपॉन पी, एच को पी से डिवाइड करके आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे मोमेंटम निकलेगा या कैसे जो है लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। तो पहले पी निकालना पड़ेगा, पी के लिए वी निकालना पड़ेगा, और फिर वी आ गया, पी आ गया, तो लैम्डा भी आएगा। ठीक, ये सब एनर्जी डिफरेंसेस के क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं जितने भी चल रहे हैं। ये होमवर्क लिखते जाओ, इसमें कुछ नहीं करना आपने, एक बार घर जाके इसको ट्राई करना है। ये वाला 23rd, मतलब वो ना आपको डायग्राम देगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में रिलेशन करेक्ट मार्क करो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आता है कि आपकी ट्रांजिशन सी से बी पे हो रही है, फिर बी से ए पे हो रही है, सी से ए पे हो रही है। तब जब आपका इलेक्ट्रॉन सी से बी पे आ रहा है तो वो वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा वन एमिट कर रहा है, और जब सी से ए पे आ रहा है लैम्डा थ्री कर रहा है, और जब वो बी से ए पे आ रहा है लैम्डा टू कर रहा है। इनका रिलेशन बताओ क्या होगा, और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करेक्ट ऑप्शन मार्क करो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मान लो वो सी से बी पे आ रहा है, तो एनर्जी सी माइनस एनर्जी बी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा वन। फिर मान लो वो बी से ए पे आ रहा है, तो एनर्जी बी माइनस एनर्जी ए इज एच सी बाय लैम्डा टू। मान लो एनर्जी सी से ए पे आ रहा है, तो ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा थ्री। तीनों वैल्यूज निकाल लो। फिर एक काम करो, ई सी माइनस ई ए, ई सी माइनस ई ए में ई बी प्लस कर लो और ई बी माइनस कर लो, फर्क तो पड़ता नहीं है, काटोगे तो यही आएगा, लेफ्ट और राइट बराबर है। मतलब इसकी यहाँ से ट्रांजिशन ऐसी की जा सकती है, इसकी यहाँ से प्लस इसकी यहाँ से, दो स्टेजेस में। तो ई सी माइनस ई ए को लिखा जा सकता है ई सी माइनस ई बी प्लस ई बी माइनस ई ए। तुम्हें इसकी वैल्यू ये गिवन है, तुम्हें इसकी वैल्यू ये गिवन है, और तुम्हें इसकी वैल्यू ये गिवन है, पुट कर दो, एच सी कैंसल, आंसर ठीक है यहाँ तक। तो एच सी बाय लैम्डा से समझ में आ रहा है कि कैसे मार्किंग करनी है इसकी।